सभी साथियों का मेरे इस हेम्प यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इससे पहले मैं आरपीएससी आरओ ईओ आईएन की भर्ती के लिए दो वीडियो बना चुका हूं, जो एक तो इसके एडवर्टाइजमेंट का था और दूसरा कौन कौन सी बुक आपको इसमें प्रिपेयर करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए इसका था। ये दोनों वीडियो अगर आपने देखे नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि आरपीएससी आरओ ईओ की भर्ती के फॉर्म 29/8/2022 से प्रारंभ होकर 27/9/2022 तक भरे जा रहे हैं। इन सभी ये अवधि में जो भी व्यक्ति फॉर्म भरेंगे उनके द्वारा कुछ विशेष प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे और विशेष प्रमाण पत्र आरपीएससी के द्वारा मांगे गए हैं। ये इन सभी की व्याख्या पेज नंबर 4 पर की हुई है। और अधिकतर मैंने देखा है कि जब भी जो भी बंदे इस भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं उनके द्वारा जो सबसे बड़ी मिस्टेक की जा रही है वो है जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मिस्टेक। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बिंदु संख्या 1 आप पढ़िए अच्छी तरह से। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी आप जो भी जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप एससी हो के हो या एसटी के हो या ओबीसी के हो या ईडब्ल्यूएस के हो, जो भी जाति प्रमाण पत्र आप इसमें लगाओगे तो ये जो 27 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है इससे पहले का होना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन आवेदन की 27 सितंबर 2022 अंतिम तिथि है इससे पहले का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर आप इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र बनाते हो तो ये मान के चलिए आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि फॉर्म भरने से पहले या फिर 27 सितंबर से पूर्व आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेवें। इसके बाद देखिए बिंदु संख्या 2 है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों में निवास स्थान एवं क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर की प्रविष्टियाँ सही होनी चाहिए। यानी कि आप सभी जानते हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर अगर आप नॉन क्रिमिलियर में आते हो तभी आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। और नॉन क्रिमिलियर का जो डिसीजन होता है वो माता पिता की इनकम के आधार पर होता है। और इसी के अंदर अगर शादीशुदा कोई महिला है तो उसका भी जो जाति प्रमाण पत्र है वो माता पिता की आय के आधार पर ही और पिता के नाम से ही बना होना चाहिए, पति के नाम से या उसके निवास स्थान या आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए इसके बाद है बिंदु संख्या 3, जो भी ओबीसी के क्रिमिलियर लोग हैं उनको इसमें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यानी जो भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में आता है वह सभी लोग, मेरा निवेदन है कि वो भी 27 सितंबर से पहले अपना जाति ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र बना लेवें, क्योंकि जो ये पूरा जाति प्रमाण पत्र है ईडब्ल्यूएस का वो 1 साल के लिए बनता है। और अगर आप इसे अभी बना लोगे अगर आपका भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे कहने का मुख्य मतलब यही है कि आप जाति प्रमाण पत्र 27 सितंबर से पहले बना लें अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरकर तैयारी करना चाहते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।